हेलो दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या फिजिक्स का बात करने वाले हैं। फिजिक्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। आई होप आप सबको यह सब पता है, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज न्यू बच्चे हैं तो हम सब चीज़ बताना चाहते हैं आप सबको कि आप सबको क्या जाए, सब चीज़ क्लियर जाए। फिजिक्स, ये फिजिक्स बात करेंगे हमारा क्या रहेगा, क्लास ट्वेल्थ का हमारा ये फिजिक्स है। जैसे कि ऑफलाइन जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनका हमने आज स्टार्ट कर दिया है, तो उसी क्रम में आज हमारा जो उन लोगों में पढ़ाए थे, हमारा चैप्टर था क्या, वैद्युत चालन। ऑफलाइन बच्चे को हमने शुरू किया क्या, वैद्युत चालन, क्या इलेक्ट्रिक कंडेंसन, क्या इलेक्ट्रिक कंडक्शन, या फिर जिसको कहते हैं क्या, वैद्युत चालन। ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो पहले हम चैप्टर शुरू करने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर का नाम वैद्युत चालन क्यों पड़ा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा हम चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं, वैद्युत चालन आखिर होता क्या है। तो वैद्युत चालन आप ये समझते हैं कि क्या होता है वैद्युत चालन। वैद्युत चालन ये हमारा क्या है, चैप्टर का नाम भी है, वाला हेडिंग है। तो हमने क्या बताया था, चालन मतलब क्या होता है, चलना हो गया, चालन मतलब क्या होता है, चलना। वैद्युत मतलब क्या होता है, कि वैद्युत किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन की वजह से उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं E- से लिखते हैं, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन होता है क्या, वैद्युत मतलब होता है, वैद्युत कैसे उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। चलना मतलब क्या होता है, चालन मतलब होता है चलना, यही हमारा टॉपिक है। तो चलिए फिर इसका डिफिनेशन समझते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आया, इलेक्ट्रॉन का हमारा डिफिनेशन क्या समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करना, गमन या फिर ब्रेकर लिख दे क्या, चलना, गमन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना क्या कहलाता है, वैद्युत चालन कहलाता है। वैद्युत चालन कहलाता है। एग्जाम्पल डेट, जैसे हम देखते हैं क्या, ये हमारा कोई क्या है, राड है। वो राड कैसा है, तो आप समझ जाते हैं ये हमारा कंडक्टर वाला राड है कोई। इस राड में जो इलेक्ट्रॉन है, और जानते हैं राड में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वह इलेक्ट्रॉन जो एक स्थान से, मान लीजिए यह वाला इलेक्ट्रॉन हमारा आ गया क्या यहाँ पर, और यह वाला इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, या फिर इलेक्ट्रॉन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, उसी को हम कहते क्या, इलेक्ट्रॉन का, या फिर सॉरी वैद्युत चालन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का गमन वैद्युत चालन कहलाता है। चलिए अब जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, परिपथ। क्या था हमारा, परिपथ। ऑफलाइन जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा परिपथ क्या कहते हैं, इसको शॉर्टकट में CKT लिखते हैं। परिपथ क्या होता है तो आप समझते हैं। देखिए परिपथ को पहले हम क्या एक्सप्लेन करते हैं कि परिपथ क्या होता है। तो आप देखेंगे परिपथ दो सबसे बना है, एक है क्या परि, और दूसरा क्या है पथ। तो हमने क्या बताया था, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता, या फिर जिसको कहते हैं वे। परिपथ मतलब क्या होता है, चारों ओर से बंद, मतलब क्या होगा, चारों तरफ से बंद रास्ता हो गया, ध्यान सुनिएगा, चारों ओर से बंद रास्ता जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिपथ। तो या फिर इसे कह देते हैं क्या, वह बंद पाथ या पथ, दोनों सही है, पाथ दोनों लिख देते हैं, पथ, वह बंद पाथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है क्या कहलाता है, हमारा परिपथ कहलाता है। ये क्या होगा, हमारा बंद या परिपथ का हमारा डिफिनेशन होगा। इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझते हैं, क्या लिखें, वह बंद पाथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिपथ।
अब यहाँ पर देखिएगा एक टॉपिक यहाँ क्या है, नया है, जिसका नाम है क्या, विद्युत धारा। तो इसको विद्युत धारा को अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, पहले हम समझ लेते हैं इसका थोड़ा सा फिगर से कि परिपथ आकृति होता क्या है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको फिगर बनाकर दिखा देते हैं परिपथ का। जैसे ये हमारा मान लीजिए है, ये हमारा क्या है, आप सबका नाम हम लिखकर आपको बता देंगे। ये हमारी बैटरी है जिसका नाम है वी, ये हमारा है प्रतिरोध आर, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्विच, ये स्विच या फिर जिसको आप कह सकते हैं कुंजी। तो अब जानते हैं कि बैटरी के प्लस सिरे से हमारा धारा जाता है, तो यहाँ पर धारा गया। तो अब देखिए धारा जैसे यहाँ पर पहुँचा, अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा परिपथ खुला है, जैसे स्विच खुला है, तो क्या यह धारा इस साइड आ सकता है, नहीं, क्योंकि कहता है धारा वहीं जाएगा जहाँ पर रास्ता बंद हो। तो यहाँ पर देखिए रास्ता खुला है, मतलब धारा नहीं जाएगा। तो इसे हम परिपथ ना क्या करेंगे, अब इसको अब बंद कर दे रहे हैं, तो अब क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग परिपथ। बोला क्या, तो अब हमारा क्या होगा, कुंजी बंद हो गया, तो धारा हमारा इधर आएगी और हमारा धारा इधर आएगी, और धारा आ जाएगा कितना, उतना ही माइनस पे। अब जानते हैं जितना धारा प्लस से आता है उतना ही धारा माइनस पे जाता है। तो क्या समझाया, वह बंद पाथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। अब अगला टॉपिक हमने पढ़ा नेटवर्क। अब नेटवर्क क्या होता है आप समझते हैं इसे, नेटवर्क देखिए नेटवर्क क्या होता है, वह बंद पाथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, मतलब क्या लिखते हैं नेटवर्क होता क्या था, वह बंद पाथ जिसमें धारा प्रवाहित होता है उसे परिपथ। अब दूसरा क्या है, वह पाथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो, या फिर क्या कह सकते हैं, अर्थात क्या हो जाए, स्विच कैसा हो, खुला हो या फिर ओपन हो। अब जानते हैं कि जब स्विच ओपन रहेगा तो धारा प्रवाहित नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल डेट हम समझ लेते हैं, यहाँ पर ये बी हो गया, ये प्रतिरोध हो गया, अब ये क्या हो गया हमारा इधर, ये हमारा स्विच है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नेटवर्क कहेंगे, नेटवर्क। इसे क्या कहेंगे हम लोग, सर्किट कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए इसमें क्या हो गया, यह बंद है कुंजी, लेकिन यहाँ पे कुंजी क्या ओपन है। तो अब बताइए यह धारा इधर आएगा और यह धारा इधर आएगा, क्या यह धारा इस साइड आएगा, नहीं। तो इसे क्या कर सकते हैं, वह रास्ता जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो उसे हम लोग नेटवर्क कहते हैं, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो उसे क्या कर लेते हैं, परिपथ कहते हैं। लिखा गया ना, वह बंद पाथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है परिपथ कहलाता है। अब इसी के बाद हमने पढ़ा था क्या, अब हमारा अगला टॉपिक देखिए यहाँ पर क्या था, विद्युत धारा आया था। अब समझते विद्युत धारा क्या होता है, अब बात कर रहे हैं हम लोग विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करेंट। अब चलिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखिएगा, चलिए अब शुरू करते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। तो अब मान लीजिए ये क्या है हमारा, आप जानते हैं क्या, ये परमाणु है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटम है, ये हमारा एटम है, ये एटम है। अब जानते हैं ये एटम का क्या नाभिक है, तो नाभिक में क्या होता है, नाभिक धनावेश होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो आप जानते हैं क्या होगा, नाभिक के बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप जानते हैं जो नाभिक के बाहर जो अंतिम कक्षक होता है, उस कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर इसी का नाम क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए ये आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको आसानी से सब चीज़ समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं क्या, परमाणु के कक्षक में, कौन सा कक्षक, अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप जानते क्या हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या होगा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं की वजह से धारा
क्या होता है, प्रवाहित होता है। अभी आप जो हम लिख रहे हैं समझते जाइएगा, अभी आपको आसानी से कुछ सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमाणु के अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसमें ज़्यादा होगा, वह ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होगा। ये हम आप हो गया ना, तो क्या होगा, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसमें किसकी विद्युत धारा प्रवाह की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। तो चलिए अब इसी को हम आगे बताते हैं। अब यहाँ पर हमें पीछे पढ़ा क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आप चाहिएगा तो आपको नोट भी मिल सकता है। देखिए, अब इलेक्ट्रॉन को क्या लिख सकते हैं, हम ई माइनस लिखते हैं। जब ई माइनस लिखे तो ये जो माइनस होता है आप जानते हैं उसे क्या कहते हैं, निगेटिव, कहता निगेटिव। या फिर आप कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन जो होता है कैसा होता है, ऋणावेश होता है, ऋणावेश। तो ऋणावेश मतलब आप जानते हैं क्या होगा, ऋण प्लस आवेश। तो यहाँ पे शब्द क्या आया कि हम जानते हैं विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से प्रवाहित होता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, आवेश। तो इससे हमारा डिफिनेशन क्या निकल के आया, और कौन सा फ्लो होगा, अब हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे आवेश जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में कौन जाता है, आवेश। तो हम कहेंगे आवेश, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को। चलिए, हमने क्या लिखा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो जानते हैं क्या क्या हो गया, हम धारा को I से प्रदर्शित है, I बराबर क्या होता है, Q बाई टी होता है। अब देखिएगा क्या होता है, Q बाई टी होता है धारा बराबर या फिर विद्युत धारा। तो यहाँ पर Q क्या है, तो आपको पता होगा क्या, Q आवेश है, और T क्या है, तो T हमारा समय है, और हमारा I क्या है, विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिक करेंट है, विद्युत धारा है, हो गया। अब जानते हैं क्या, अब एक फार्मूला और जानते हैं क्या, Q बराबर क्या होता है, एन ई होता है, होता है। तो इसको हम क्या करें, इस फार्मूला में रख देने, तो I बराबर क्या हो जाएगा, एन ई अपान में टी। ये हमारा क्या होगा, सेकेंड फार्मूला आ गया निकल कर, किसका, विद्युत धारा का। अब इसी में करते हैं, अब इसके मात्रक के बारे में बात करते हैं कि मात्रक क्या होता है। अब देखिए, मात्रक यहाँ लिखते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। देखिए, आवेश का मात्रक क्या होता है, आप कहेंगे कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, सेकेंड होता है। इसी को मिलाकर हम लोग कहते हैं क्या, एम्पियर, एम्पियर हो गया। यदि आपको मात्रक कूलाम पर सेकेंड दे तो भी सही है, यदि एम्पियर दे तो भी सही है। एम्पियर को हम किससे लिखते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने क्या हुआ, हमने पढ़ा क्या, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट और निकल के आ गया, क्या, आवेश। आखिर यह आवेश क्या होता है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आवेश का, कि आवेश क्या होता है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं आवेश, या फिर जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, अब इसको हम समझते हैं। जैसे हमने बचपन में क्या किया था कि किसी पेंसिल को अपने सर से या फिर बाल से रगड़ कर जब हम घास को पर रखते थे तो वो घास के छोटे छोटे तिनकों को क्या कर लेता था, चिपका लेता था। जैसे अब जिसे समझते हैं फिगर के माध्यम से, या अब हम फिगर ड्रा कर रहे हैं, ये हमारा मान लीजिए कोई हमारा पेंसिल है या फिर पेन है, ये हमारा क्या है, कोई पेंसिल है। तो अब क्या किया, जब इसको हमने रब किया, किसको, अपने बाल में इसको रगड़ा, तो यह क्या किया, पेंसिल छोटे छोटे पार्टिकल के घास को अपने में क्या किया, चिपका लिया। ये क्या है, घास के तिनके हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं घास के तिनके, घास के तिनके कैसे है? छोटे छोटे हैं। यह क्या है, हमारे कलम है, जिसको हमने बाल से रगड़ा था। अब रगड़ा है तो देखिए, इस घास के छोटे छोटे तिनकों को पेंसिल क्या अपने में चिपका लिया है। तो यह प्रॉपर्टीज कहाँ से आई, तो आप बताएंगे यह प्रॉपर्टीज आई किसे, पेंसिल से रगड़ने से आई है। क्या, पेंसिल को बाल में रगड़ने से आई है।
तो यह जो रगड़ने से क्वालिटी आई है, इसी क्वालिटी को हम लोग कहते हैं क्या, आवेश है। समझ आया आपको? तो चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं क्या, कि हमारा आवेश कैसे उत्पन्न किया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, पदार्थ या फिर आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसे रगड़ने पर आता है। मतलब क्या होगा, जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ेंगे तो क्या होता है, हमारा आवेश उत्पन्न होता है। आवेश में क्या होगा, तो या तो देखिए यहाँ पर समझते हैं, या तो इसका कुछ आवेश, किसका, पेंसिल का कुछ आवेश या तो हमारे बालों में चला हो गया होगा, या तो कुछ आवेश हमारे क्या होगा, पेंसिल में आ गया। इसलिए क्या, अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स का अनुभव कर रहा है। तो हमने लिख दिया क्या, आवेश पदार्थ का वह गुण है जो उसे रगड़ने पर आता है। तो अभी हम बताएं क्या कि क्यू बराबर क्या होता है, आई बराबर हम जानते हैं क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, क्यू बाई टी। तो क्यू बराबर क्या है, क्यू आवेश है, तो क्या आई टी हो जाएगा क्या, कहेंगे यस सर आई टी हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इसका मात्रक देखते हैं क्या होता है। तो आप जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं हम लोग, कूलाम कहते हैं। कूलाम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले कूलाम साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आज के वीडियो में हमने क्या किया था, ऑफलाइन के बच्चों को यहाँ तक ही पढ़ाया था, लेकिन आप कुछ पॉइंट और हम आगे बता देते हैं कि आवेश क्या होते हैं। आवेश जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, आवेश या फिर चार्ज हमारे दो तरह के होते हैं। और कौन कौन से चार्ज होते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, एक होता है रीड आवेश या फिर निगेटिव चार्ज जिसे कहते हैं रीड आवेश, और दूसरा क्या होता है, धन आवेश। एक होता है क्या, रीड आवेश, और एक होता है धन आवेश। इंग्लिश में क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज। अगला क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। आपको यह पता होगा। तो अब देखिएगा, अब हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बारे में पढ़ लेंगे। तो आगे क्या होगा, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अपने आवेश के गुण को पढ़ेंगे। जैसे आप जानते हैं क्या होगा, एग्जाम्पल डेट में समझते क्या है, जैसे हमारा क्या था, सोडियम था, और ये हमारा क्लोरीन है। आप जानते हैं सोडियम के लास्ट कक्षक में कितने होता है, एक इलेक्ट्रॉन। जैसे इसका इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, 281। एक साथ क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, और इसका क्या होता है, 17 होता है। और इसका क्या होता है, इसका होता है 287 होता है। तो अब क्या होता है, ये सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। जब सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तो उस पर हम लोग क्या लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर इसका होता है क्या, 11 होता है, सोडियम का 11। तो क्या होगा, एन ए प्लस हो जाता है। अब ऐसे क्या होगा, क्लोरीन का क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन ले लेता है, किसका, इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसका क्या होता है, कष्ट पूरा हो जाता है। तो जानते हैं, अब देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर क्या, निगेटिव चार्ज। तो इसी को लेकर धन आवेश और होता है क्या, रीड आवेश। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो होता है क्या, धन आवेश। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उसे क्या कहते हैं हम, रीड आवेश। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं क्या, जब कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋण आवेशित हो जाता है। एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि क्लोरीन ने क्या किया, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऋण आवेश। अब देख रहा दूसरा क्या होगा, सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखते क्या, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है, त्यागता है तो वह धनावेशित हो जाता है। क्या कहा, धनावेशित हो जाता है।
जैसे यहाँ पर देखिएगा सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो ये हो गया क्या धनावेशित। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो ऑफलाइन के बच्चों को आज हमने यहीं तक बताया था, तो क्या हो गया आज की वीडियो में हम बस इतना भी बात करेंगे। यदि आपको जिस टॉपिक में नए समझ आया हमें ज़रूर बताएगा, और क्या होगा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका क्या मिल जाएगा लिंक मिल जाएगा और आप ऑनलाइन क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।